सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, अश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए? जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो है उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो। इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म उस दिशा में ये कदम है। थैंक यू, आई हैव कंप्लीटेड माय टुडेस। फ्रेंड्स, वी कैन टेक सम क्वेश्चन, लेकिन अपने क्वेश्चन जो है वो तीन दिन की जो ब्रीफिंग हुई वहां तक लिमिटेड रखी है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं अभी मैडम आगे दो दिन में क्या कवर करेंगे, तो प्लीज लिमिट योर क्वेश्चन फॉर थ्री डेज ब्रीफिंग ओनली। ओके, नंबर 15।